क्या आपको याद है कि इंडियन टीम अपने घर पे आखिरी बार एक टेस्ट सीरीज कब हारी थी? हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद हो, पर बहुत सारे लोगों को बिल्कुल याद नहीं होगा, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है। इंडियन टीम पिछले 10-12 साल में टेस्ट क्रिकेट में अपने घर पे खेलने वाली सबसे सक्सेसफुल टीम है। अगर प्रिसीजन के साथ बात करूं तो 4,300 दिन हो चुके हैं कोई भी टीम इंडिया को उनके घर पे आके नहीं हरा पाई। इस दौरान टीम इंडिया ने 18 टेस्ट सीरीज जीती है। 18 टेस्ट सीरीज और 4,300 दिन कोई भी टीम इंडिया को उनके घर पे आके नहीं हरा पाई। आखिरी बार इंग्लैंड की टीम ने किया था 2012 में। मतलब 12 साल हो चुके हैं इंडियन टीम अपने घर पे क्रिकेट खेलते हुए डोमिनेट करती है। और आपको पता है कि इस दौरान अगर टीम इंडिया अपने घर पे इतना अच्छा क्रिकेट खेली है तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है रविचंद्रन अश्विन का। एक ऐसा प्लेयर जो टीम में होता है तो लगता है कि आप दो दो प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लेयर आपको बैटिंग भी करके देता है, आपको बॉलिंग भी करके देता है और दोनों काम इक्वली अच्छे करता है। अब सोचिए, इस टाइम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 बॉलर है रविचंद्रन अश्विन, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 2 ऑलराउंडर है रविचंद्रन अश्विन, तो फिर तो लगेगा ना कि आप दो दो प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। जब बैटिंग में जरूरत हो अश्विन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और गेंदबाज तो भाई अश्विन कमाल के बनते जा रहे हैं। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर अश्विन 2-4 साल क्रिकेट और खेल गए तो टेस्ट क्रिकेट का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा जो अश्विन के पास ना हो, क्योंकि अश्विन टेस्ट क्रिकेट में एक अलग ही गेंदबाज नजर आते हैं। कानपुर टेस्ट में अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की और इसी बदौलत उन्होंने इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। इंडिया बांग्लादेश सीरीज की बात करें तो जब अश्विन बैटिंग करने आए तो 2 मैच में 114 रन बनाए 57 की एवरेज से। चेपॉक टेस्ट में कमाल का शतक लगाया। इसके बाद जब गेंदबाजी की बात आई तो 2 मैच में 11 विकेट अश्विन के नाम थे 12 के एवरेज से। चेपॉक टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट हॉल था। मतलब सोचिए, एक ही मैच में एक 6 विकेट हॉल लेना, एक सेंचुरी लगाना कितने प्लेयर्स कर सकते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर सकते। इसके बाद कानपुर टेस्ट में भी अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की, विकेट चटकाए। वो तो बैटिंग का मौका नहीं मिला, अगर बैटिंग का मौका मिला होता तो अश्विन वहां भी कमाल कर देते। और यही वजह है कि इस टाइम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन का नाम गेंदबाजों की लिस्ट में 1 पे है और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में नंबर 2 पे। और यही वजह है कि टीम इंडिया पिछले 12 सालों से अपने घर पे डोमिनेटिंग रेट खेल रही है। कई बैट्समैन आए, कई बैट्समैन चले गए, लेकिन अश्विन पहले भी थे और अश्विन आज भी। इसी के साथ रविचंद्रन अश्विन ने मुथैया मुरलीधरन के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन के पास 11 थे, 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, अश्विन के भी 11 हो चुके। और अगर सीरीज देखेंगे ना, नंबर ऑफ सीरीज जितनी मुरलीधरन ने खेली और नंबर ऑफ सीरीज जितनी अश्विन ने खेली है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दोनों के पास 11 है। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी ऑलराउंडर जैक कैलिस का, जिन्होंने 9 बार ये अवार्ड जीता। इसके अलावा अगर उनके कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करें तो करंट WTC साइकिल, यानी 2023 से 2025 का साइकिल, सबसे ज्यादा विकेट्स पता है किसके हैं? अश्विन के। रविचंद्रन अश्विन इस WTC साइकिल में 53 विकेट ले चुके हैं, जॉश हेजलवुड को पीछे कर दिया जिनके पास 51 विकेट है। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस तीसरे नंबर पे हैं जिनके पास 48 विकेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट अश्विन के पास है। रविचंद्रन अश्विन WTC हिस्ट्री के इकलौते गेंदबाज हैं जिनके पास तीनों साइकिल में 50 से ज्यादा विकेट हैं। पहले साइकिल में 14 मैच में 71 विकेट थे, दूसरे साइकिल में 13 मैच में 61 विकेट थे, और अगर तीसरे साइकिल की बात करें तो 10 मैच में 52 विकेट। सोचिए किस क्वालिटी का गेंदबाज है, एक WTC जैसा साइकिल जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, स्पिनर्स खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, कई बड़े गेंदबाज, लेकिन तीनों साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट्स अश्विन के पास है। इसके अलावा अगर WTC की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो यहां दूसरे नंबर पर अश्विन है। और कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में अश्विन का नाम यहां भी टॉप पे आ जाए। सबसे ऊपर है नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया के 187 विकेट्स, दूसरे नंबर पे है रविचंद्रन अश्विन इंडिया के 183 विकेट्स, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस है 175 विकेट्स, और चौथे नंबर पे नाम है मिचेल स्टार्क का 147 विकेट्स के साथ। सोचिए टॉप 4 में 3 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं और अकेला अश्विन 3-3 ऑस्ट्रेलियंस को टक्कर दे रहा है। इसीलिए आज हम ये बात कह रहे हैं कि भाई अश्विन टेस्ट क्रिकेट में कम से कम नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। इसके अलावा अगर एशिया में सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल्स की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो वहां पर भी अश्विन का नाम आ चुका है। मुथैया मुरलीधरन ने 167 3 विकेट हॉल्स लिए थे, अनिल कुंबले ने 102 लिए थे। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम आ चुका है रविचंद्रन अश्विन का, जो 100 बार ऐसा कर चुके हैं कि एक ही टेस्ट मैच में 3 विकेट हॉल लिया है। इसके अलावा वसीम अकरम का भी नाम इस लिस्ट में है, जिन्होंने 76 लिए थे, रंगना हैरत ने 74 लिए थे।
और यही वजह थी कि टीम इंडिया बांग्लादेश को दो मैच की टेस्ट सीरीज 2-0 से हरा पाई। अश्विन का बड़ा कंट्रीब्यूशन, चेपॉक टेस्ट में एक सेंचुरी, चेपॉक टेस्ट में एक 6 विकेट हॉल और कानपुर टेस्ट में अश्विन ने दोबारा कमाल की गेंदबाजी की। और अब नतीजा यह है कि टीम इंडिया ने अपने घर पर लगातार 18 सीरीज जीत ली है। 4,300 दिन, दोबारा से बता देता हूं, कोई भी टीम इंडिया को उनके घर में आकर नहीं हरा पाई। 2013 के बाद से रिकॉर्ड्स देखें तो इंडिया ने 53 मैच खेले हैं, 42 जीते हैं, सिर्फ 4 हारे हैं, गिनती के 4 मैचेस, 7 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। कप्तान बदलता है, प्लेयर्स बदलते हैं, बैट्समैन बदलते हैं, ऑलराउंडर्स बदलते हैं, सिर्फ एक प्लेयर कॉन्स्टेंट है और वो है रविचंद्रन अश्विन। आप बताइए इंडियन टीम में रविचंद्रन अश्विन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्या आपके हिसाब से इंडियन टीम पिछले 18 सीरीज जीती है तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या अश्विन का ही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।